बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। हेलो गाइस, वेलकम टू लीगल यूट्यूबर चैनल। दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कनाडा के लेटेस्ट प्रोसेसिंग टाइम की, जो कि कुछ कैटेगरीज के अंदर डिक्रीज किया गया है। और दोस्तों, जैसे कि हमने अपनी पहले की वीडियो में बात की थी बैकलॉग के ऊपर, तो उसके हिसाब से भी दोस्तों कनाडा IRCC बिल्कुल बैकलॉग्स पर वर्क कर रही है, क्योंकि उस हिसाब से जो फाइल्स इंक्रीज होनी चाहिए थी, जो बैकलॉग मज़ीद बढ़ना चाहिए था, वो नहीं बढ़ा, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। तो आज की इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम बात करेंगे कि किस किस कैटेगरी के अंदर क्या प्रोसेसिंग टाइम चल रहा है, और इस टाइम IRCC किन की प्रोफाइल्स पर वर्क कर रही है, और आने वाले दिनों में कौन कौन अपने रिजल्ट्स एक्सपेक्ट कर सकता है। तो चलिए फ्रेंड्स, करते हैं इस वीडियो को शुरू। मेरा नाम है राजिक और आप देख रहे हैं लीगल यूट्यूबर चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों बता दूं कि जिन लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो या प्लीज सब्सक्राइब बटन होगा उसको दबा दो, बेल को दबाना बिल्कुल मत भूलना, ताकि आपको मेरा हर नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिले। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं ओपन वर्क परमिट वालों की। हमेशा मैं स्टूडेंट से जो है वो स्टार्ट करता हूँ, लेकिन आज मैं ओपन वर्क परमिट से स्टार्ट कर रहा हूँ। दोस्तों, ओपन वर्क परमिट वालों के लिए एक अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि इस टाइम पाकिस्तान में जो ओपन वर्क परमिट का प्रोसेसिंग टाइम है वो 14 वीक्स का हो चुका है, और इंडिया के अंदर इस टाइम वर्क परमिट वालों का जो प्रोसेसिंग टाइम है वो 31 वीक्स का हो चुका है। अब गुड न्यूज़ इसीलिए है दोस्तों, क्योंकि काफ़ी टाइम से वर्क परमिट वालों का जो प्रोसेसिंग टाइम था वो एक जगह पर स्टेबल था, और अब फाइनली इस वीक वो चेंज हुआ है, और चेंज होने के बाद भी ये डिक्रीज़ किया गया है, मज़ीद इंक्रीज़ नहीं हुआ। तो अगर ऐसे ही ये 3-4 वीक और मज़ीद डिक्रीज़ होता है तो बिल्कुल आने वाले दिनों के अंदर आप अपने रिजल्ट्स एक्सपेक्ट कर सकते हो। साथ ही दोस्तों, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर, अगर हम लीमिया की बेस के ऊपर वर्क परमिट अप्लाई करते हैं, चाहे दुबई से, पाकिस्तान से, इंडिया से, तो कितना टाइम लगता है रिजल्ट आने में। दोस्तों, ये जो वर्क परमिट का प्रोसेसिंग टाइम है उसके हिसाब से ही आपका वर्क परमिट आता है, और दोस्तों जिन्होंने भी दुबई से वर्क परमिट अप्लाई किया है उनके रिजल्ट्स को 52 वीक्स लग सकते हैं, क्योंकि इस टाइम के ऊपर जो कनाडा IRCC की ऑफिशियल वेबसाइट पर प्रोसेसिंग टाइम चल रहा है दुबई का, वो 52 वीक्स का है, और इसके अंदर भी सिर्फ वर्किंग डेज ही काउंट किए जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं विजिटर वीजा वालों की। दोस्तों, विजिटर वीजा वालों की प्रोसेसिंग जो है वो न्यू पोर्टल के लॉन्च होने के बाद बूस्ट की गई थी, जिसमें आप अप्लाई करके अपना रिजल्ट जल्द से जल्द हासिल कर सकते थे, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ दोस्तों। जिन्होंने भी ओल्ड पोर्टल के अंदर अपनी फाइल लॉन्च की थी पहले, उनके रिजल्ट्स नहीं आ रहे थे, बल्कि न्यू पोर्टल के साथ साथ ओल्ड पोर्टल्स के रिजल्ट्स भी आना शुरू हो चुके थे। तो इस टाइम के ऊपर पाकिस्तान में जो विजिटर वीजा का प्रोसेसिंग टाइम है वो 36 डेज का हो चुका है, और इंडिया के अंदर इस टाइम विजिटर वीजा का जो प्रोसेसिंग टाइम है वो 47 डेज का हो चुका है। अब बहुत सारे लोग बांग्लादेश का भी पूछते हैं, नेपाल का भी पूछते हैं, तो वो भी मैं बता दूं कि बांग्लादेश के अंदर इस टाइम के ऊपर 38 डेज का प्रोसेसिंग टाइम चल रहा है, और नेपाल के अंदर 67 डेज का प्रोसेसिंग टाइम चल रहा है। साथ ही में दोस्तों, ये बताना बहुत मुश्किल है कि कनाडा इस टाइम के ऊपर किन की प्रोफाइल पर वर्क कर रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से PPRs आ रही हैं उसके हिसाब से कनाडा IRCC रैंडमली केसेस पिक कर रहा है, वो बिल्कुल भी लाइन वाइज लेके नहीं चल रहा, जिसकी वजह से ये बोलना बहुत मुश्किल है कि इस टाइम के ऊपर कनाडा IRCC किस मंथ की प्रोफाइल्स पर वर्क कर रहा है। पहले क्या हो रहा था कि जिन लोगों ने 2020 के अंदर स्टार्टिंग के अंदर या आखिरी के अंदर अप्लाई किया था उनके रिजल्ट्स देखने को मिल रहे थे, लेकिन इस टाइम पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा। इस टाइम के ऊपर रैंडमली केसेस पिक किए जा रहे हैं और PPRs भी रैंडमली ही देखने को मिल रही है। लेकिन दोस्तों, अगर आपकी एप्लीकेशन को सबमिट कराए हुए काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है तो आपको बिल्कुल अपनी जो ट्रैवलिंग डेट है उसे चेंज करना चाहिए, और अपना ट्रैवलिंग प्लान जो है वो अपडेट करना चाहिए। ये चीज़ करने के बाद भी देखा गया है कि बहुत सारे लोगों के रिजल्ट्स आए हैं, तो वैसे भी दोस्तों आप लोगों को ये चीज़ करनी चाहिए, क्योंकि आप लोगों के पास अभी इस टाइम के ऊपर वेट करने के अलावा कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है। अब बात करते हैं दोस्तों स्टूडेंट्स की। फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स के इस टाइम पे जो प्रोसेसिंग टाइम है वो 11 वीक्स का चल रहा है, जो कि काफ़ी टाइम से स्टेबल है, और वैसे भी दोस्तों स्टूडेंट्स की PPRs डेली बेसिस के ऊपर देखने को मिल रही है, लेकिन ये बताना बहुत मुश्किल है कि कनाडा IRCC किन मंथ्स की प्रोफाइल पर वर्क कर रहा है, क्योंकि स्टूडेंट्स के अंदर भी जो PPRs देखने को मिल रही है डेली की
वो अक्टूबर की भी है, नवंबर की भी है और दिसंबर की भी है। तो स्टूडेंट्स के केस के अंदर भी कैनेडा IRCC रैंडमली ही प्रोफाइल को सेलेक्ट कर रहा है। और वैसे भी दोस्तों ये प्रोसेसिंग टाइम जो है आपका उस वक्त स्टार्ट किया जाता है जब आपकी फाइल कम्प्लीटली सबमिट हो जाती है, मतलब आपका मेडिकल भी हो जाए और बायोमेट्रिक भी हो जाए, उसके बाद ही आपका प्रोसेसिंग टाइम जो है वो शुरू किया जाता है। अब ये बताने का मकसद ये था दोस्तों कि बहुत सारे लोग जब मुझसे कॉन्टैक्ट करते हैं और जब मैं उनसे पूछता हूँ कि आपकी फ़ाइल को कितना टाइम हो गया है, तो वो अपनी प्रोफाइल का टाइम उस वक्त से काउंट करना शुरू करते हैं जब उन्होंने फाइल लॉन्च की थी, और उस वक्त उनके ना बायोमेट्रिक हुए थे ना ही मेडिकल हुआ था। तो ये चीज़ बताना बहुत ज़रूरी थी कि जब आप एप्लीकेशन सबमिट करते हो उसके बाद से जो आपका प्रोसेसिंग टाइम है वो शुरू नहीं किया जाता जब तक कि आपका बायोमेट्रिक और मेडिकल नहीं हो जाए, उसके बाद आपका प्रोसेसिंग टाइम काउंट किया जाता है और इस प्रोसेसिंग टाइम के अंदर भी सिर्फ वर्किंग डेज ही काउंट किए जाते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, अगर प्लीज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।